वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 116 लेंगे, जो कि आरपीएससी सीनियर टीचर एग्जामिनेशन, जो कि 29/10/2018 में हो रखा है। इस क्वेश्चन जो है, इसमें कन्वर्जेंसी, डाइवर्जेंसी या ऑसिलेटरी सीरीज के बारे में पूछ रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कंप्लीट डिटेल मेथड करवाऊंगा एंड देन आपको इसका शॉर्ट वे में कैसे आंसर ढूंढना है उसके लिए बताएंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जब भी इस टाइप के कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी के क्वेश्चंस आए तो उस केस में हम लोगों को उसका nth टर्म फाइंड करना है। यानी अगर मैं इस सीरीज का यू nth टर्म लूं तो देखें, फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो nth टर्म में क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ n। नाउ यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 1 1, हर केस में यहां पर तो 1 ही है, और यहाँ फर्स्ट टर्म में 2, सेकेंड टर्म में 3, थर्ड टर्म में 4, तो nth टर्म में कौन सी टर्म होगी, n प्लस 1 और उसका होल स्क्वायर। देखिए, जब भी इन टाइप्स के क्वेश्चन के अंदर ऊपर n की पावर कुछ हो और नीचे n की पावर कुछ और हो, हाईएस्ट पावर, तो अगर आप न्यूमरेटर में n की हाईएस्ट पावर देखें तो उस केस में आप लोगों को एक ऑक्सिलरी सीरीज कंसीडर करनी है। वो कौन सी, ऊपर n की हाईएस्ट पावर कितनी है, हाफ रूट n का मतलब n की पावर हाफ, और नीचे n की हाईएस्ट पावर कितना मिलेगा, n स्क्वायर। जब जब आपको ऐसी सीरीज मिले जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश एवं हर दोनों में ही n की पावर्स में डिफरेंस हो, तो हमेशा आप ऊपर n की हाईएस्ट पावर लिख दें, नीचे n की हाईएस्ट पावर लिख दें, ओवरऑल सॉल्व करें, n की पावर 2 माइनस हाफ कितना होगा, 3/2। नाउ जैसे ये क्वेश्चन आता है, vn आपको मिलता है, जिसको हम लोग अपनी जनरल टर्म में ऑक्सिलरी सीरीज कहते हैं। ऑक्सिलरी सीरीज के अंदर क्या होगा, अगर n की वैल्यू, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिलती है, 1 अपॉन n रेज पावर p के अंदर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, तो उस केस के अंदर सीरीज होती है कॉन्वर्जेंट, अभिसारी, और 1 अपॉन n रेज पावर p के अंदर p की वैल्यू लेस देन एंड इक्वल टू 1 मिल जाए, तो उस केस में सीरीज होती है डाइवर्जेंट। तो यहां हम क्लियरली देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपर हार्मोनिक सीरीज। हो सकता है आपके क्वेश्चन ये डायरेक्ट भी बन जाए, 1 अपॉन n रेज पावर p किस कंडीशन में कन्वर्जेंट होगी, किस कंडीशन में डाइवर्जेंट होगी, जिसको हिंदी में अपसारी कहते हैं। तो अभी हमारी जो सीरीज दे रखी थी वो 1 अपॉन n रेज पावर 3/2, यानी यहां जो p की वैल्यू आ रही है 3/2, वो ग्रेटर देन 1 आ रही है, एंड ग्रेटर देन 1 आ रही है, इसका मीनिंग जो सीरीज है वो क्या होगी, अभिसारी होगी। ओके, तो जब भी मैंने इसमें क्या बताई है आपको टेक्निक, n की हाईएस्ट पावर ऊपर न्यूमरेटर में और n की हाईएस्ट पावर नीचे डिनोमिनेटर में देखें और ओवरऑल उसको सॉल्व करें, जैसे ही 1 अपॉन n रेज पावर p के फॉर्मेट में मिले, ये आप फॉर्मूला लगाएं, p ग्रेटर देन 1 पर कन्वर्जेंट एंड p लेस देन और इक्वल टू 1 मिले तो उस केस में डाइवर्जेंस। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।